साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो आज मैच है शोएब भाई, यहां पर जो हम अभी बात कर रहे थे कि टीम इंडिया की स्ट्रेंथ आखिर है क्या? आज मेरे ख्याल में अगर इंडिया इनको भी हरा देती है तो फिर तो यार बेसिकली फिर तो पता नहीं, अब कोरम पूरा करने वाली बात हो जाएगी। शेर जो भी होता है जहां भी उसको खड़ा कर दो ना तो वो शेर शेर ही रहता है, चाहे जंगल लाहौर का हो या कराची का हो, शेर जहां भी चला जाए ना वो जंगल उसी का ही है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसने वर्ल्ड कप विन किया हुआ था उसको उन्होंने पिछाड़ दिया, तो भाई उनके पास कॉन्फिडेंस, किस किस्म का प्रेशर नहीं ना साउथ अफ्रीका के ऊपर इंडिया का प्रेशर होगा, तो वो इंडिया के साथ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सीरीज हराई हुई है तो उनके ऊपर प्रेशर होगा, इंडिया के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। वो लीडर्स इंडिया में है ना, सारी दुनिया बैट्समैन बॉलर्स पैदा करती है लेकिन इंडिया लीडर पैदा करता है, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। एक काम पे कि जलजले आएंगे, एक ट्रॉफी तो इंडिया ने लेकर जाने, दूसरी ट्रॉफी लेकर देनी है सूर्य कुमार यादव को, भाई इतना बड़ा बैट्समैन हमारी जमीन पे आया है। इंडिया इज द फादर ऑफ क्रिकेट, तो ये उस वक्त प्रूव होगा जब वो साउथ अफ्रीका जाएगा और वहां से हरा के आएगा उनको, और ये प्रूव करेगा कि वो ग्रैंडफादर है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है बाकी टीमों के खिलाफ बहुत ही डेंजरस साबित होती है, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ वो खेलते हैं तो कभी 55 पे आउट कभी 80 पे आउट, तो ये देखें आप, तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका को वो इजीली व्हाइट वॉश करेंगे। जीतेगा या साउथ अफ्रीका? इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है इंडिया जीतेगा। आप इंडिया को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब यार आप पाकिस्तान में रहकर इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यार सबसे वजह ये विराट कोहली की वजह से यार, और उधर तो टीम में है उनके, उनके जानी हो या ना हो उसकी जो असरात की वजह से ये सारे इस तरह अच्छे प्लेयर्स बन रहे हैं। इंडिया की टीम में इतना दम है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। इंडियन टीम के जो प्लेयर्स है ना वो भूखे शेर बन चुके हैं, वो जो भी आएगा ना वो खा जाएंगे, वो फाड़ चीर के रख देंगे। इस टाइम पाकिस्तान में कोई लेजेंड प्लेयर आपको नजर आ रहा हो? एक भी प्लेयर बाबर नहीं है। किंग कौन सा किंग? किधर का किंग? प्लास्टिक का किंग, लोहे का किंग, लकड़ी का किंग, किस चीज का किंग? कोई किंग का बता देना। किंग होता है वो जो विराट कोहली है। इस तो बेस्ट है, इंडिया इज द बेस्ट है, वर्ल्ड क्रिकेट में उसका कोई मात नहीं है। आगे देख लेना, मेरी बात याद रखना, आने वाली वर्ल्ड में दो टीमें बननी है और वो दो इंडिया की होनी है, और इन्होंने आपस में खेलना क्योंकि कोई दूसरी टीम इतनी कैपेबल नहीं है जो खेल सके। सर जीतेगा इंडिया का गुस्सा 2024 के वर्ल्ड कप तक नहीं ठंडा होगा, वो जो सी टीम उसके सामने आएगी उसको चीरती रहेगी, पिछाड़ती रहेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों के T20 सीरीज का आज पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के डरबन स्टेडियम में खेला जाएगा। आप सोच सकते हैं कि दोनों टीम एक दूसरे को फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आपको बता दें कि अभी भारत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा कर आई है, तो इससे भारतीय टीम की कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका बिल्कुल कमजोर है, जबकि साउथ अफ्रीका भारत को टफ टाइम देने के लिए पूरी तरीके से पहले से ही तैयार बैठी है। पहला T20 मैच होने जा रहा है, क्या लगता है IPL के शेर गए हैं साउथ अफ्रीका खेलने और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराने, आपको लगता है कामयाब हो जाएंगे? यार ये जिस तरह आपने मिशन की बात की है ना, मैं कहूंगा कि इंडिया वाले अपने घर से सारा सलासला लेके गए हैं, और इस दफा साउथ अफ्रीका को मेरे ख्याल से कोई व्हाइट वॉश करने का प्लान है और मिशन को कंप्लीट करके आएंगे पूरे। जी जी इंडिया हरा देगी साउथ अफ्रीका? इंडिया बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया को उसने शिकस्त दे दिया, अब इंशाल्लाह ऐसे ही साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त दे देगा और अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इधर मतलब सारे नए लड़के हैं और सारे न्यू आ गए हैं, और कप्तान के गेम्स तो बिल्कुल ही नए थे, लेकिन इस दफा साउथ अफ्रीका जो गए हैं वहां पर तीन T20 मैच हैं, व्हाइट वॉश होगा या ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कोई चांस होगा जीतने का? जी जी चांस तो है, नहीं चांस तो साउथ अफ्रीका को नहीं है लेकिन इंडिया को है इंशाल्लाह, इंडिया क्योंकि उसने भी पहले बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं तो अब भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देगा और इंशाल्लाह जीत ही जाए। पहले से फैन हूं ऐसे, जिस तरह छक्का इस तरह करते हैं, फिर बहुत यार मैं बहुत अप्रिशिएट इसको करता हूं। इंडिया जीतेगा या साउथ अफ्रीका? इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है इंडिया जीतेगा। आप इंडिया को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब यार आप पाकिस्तान में रहकर इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यार सबसे वजह ये विराट कोहली की वजह से यार, और उधर तो टीम में है उनके, उनके जानी हो या ना हो उसकी जो असरात की वजह से ये सारे इस तरह अच्छे प्लेयर्स बन रहे हैं। इंडिया विन करने जा रही है, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मतलब हिस्ट्री क्रिएट किया, ऑस्ट्रेलिया जो कभी किसी से सीरीज नहीं हारी, एक मतलब उन्होंने सीरीज हारी है, और वर्ल्ड चैंपियन और इंडिया की बी टीम ने उसे हरा दिया है, ठीक है, वही बी टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ खेलने जा रही है, तो डेफिनेटली उन्होंने साउथ अफ्रीका को पछाड़ देना है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी जो बैटिंग लाइन है या जो उनके स्टैट्स हैं वो कह रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा, इंडिया व्हाइट वॉश करेगा। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में अगर हम बात करें तो देखें यंग कैप्टन है, लेकिन उनके साथ और भी सारे प्लान बी भी उनके पास मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो उनके पास रविंद्र जडेजा भी उनके पास मौजूद हैं। रविंद्र जडेजा ऐसे कैप्टन हैं जो IPL में अपनी टीम को लीड कर चुके हैं चेन्नई को, और वो उनको चेन्नई को चैंपियन भी बना चुके हैं अपनी कैप्टनसी में। तो कहने का मतलब ये है कि इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर उनके पास मौजूद हैं इस टीम में, तो उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है ये टीम भी, मतलब कि अगर हम इस टाइम अगर हम इंडियन टीम को इंडियन क्रिकेट को उठा के देखें तो अगर ये 4-4 5-5 टीमें भी बना के एट अ टाइम कंट्रीज में भेजे ना, तो मैं समझता हूँ चारों की चारों टीमें
विन करके आएंगे यार। बिल्कुल आराम सुकून से भाई, जिस तरह भाई ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के यंगस्टर ने वॉट लगाई है भाई, मतलब उनको चीर फाड़ के रख दिया यार। देखिए अगर बात करें ना स्कैट के वाले साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका को हराना ऐसे ही है जैसे सुई के नके में से हाथी को उतारना यार। ये भी भाई जान लीडर है बहुत बड़ा, आपको पता नहीं है ये अगला सचिन तेंदुलकर लग रहा है मुझे तो, जिस तरह ये खेल रहा है अभी देखे, अभी इसका इतना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया की टीम में इतना दम है कि वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। क्या लगता है आपको कि वो इनको नहीं हरा सकते? बिल्कुल आराम से वन साइडेड ऐसे ही, मतलब कि वो ऐसे खेलेंगे जिस तरह गली में खेल रहे हैं, ठीक है, और आराम सुकून से हरा देंगे भाई इंडिया वो यंगस्टर टीम जो अभी आई है। मानते हैं विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, लेकिन जो उनकी अभी टीम है ना यंगस्टर भाई, मतलब के आउटस्टैंडिंग है, माइंड ब्लोइंग है, लगता ही नहीं है कि वो हारेंगे। मतलब 100 out of 110% चांसेस हैं इंडिया के जीतने। इंडिया अपने मुल्क से भाई सीरीज खेलने जा रहा है, फिर भी आपको इतना यकीन है? बिल्कुल यार, यार इसका क्या यार, वो आप बोल रहे हैं कि उनकी पिछली इसलिए जीती है यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, उनकी परफॉर्मेंस थी इस वजह से जीते हैं यार। ये चेक करें कि ऑस्ट्रेलिया और 6 वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम किए यार, वो कोई छोटी टीम है एवं, मतलब पिच पे कुछ भी नहीं होता, अपने मुल्क का कुछ नहीं होता भाई, मतलब अब मेहनत का होता है, जितना आप करेंगे मेहनत करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, और वो उनको मिली 9% चांसेस इंडिया के नाम है, 1% जस्ट साउथ अफ्रीका के नाम है। क्यों? क्योंकि इस बार स्काई हमारा फॉर्म में, उसके साथ साथ स्क्वाड के अंदर आ गया रविंद्र जडेजा एज अ वाइस कैप्टन, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ऐसे जैसे प्लेयर ऐड हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका का कोई ना कोई चांस होगा जीतने का। अच्छा। उसके अंदर गायकवाड खुद है, रिंकू सिंह है, अर्शदीप सिंह बॉलर है, नो चांस फॉर साउथ अफ्रीका टू विन दिस सीरीज, नो चांस फॉर साउथ अफ्रीका टू विन दिस सीरीज। अच्छा, शुभमन गिल भी ऐड कर दिए गए हैं, और शुभमन गिल के बारे में तो ब्रायन लारा ने कहा है कि कोई अगर मेरे रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो शुभमन गिल है, ही इज द बेस्ट बैटर, ऑब्वियसली इज द बेस्ट बैट्समैन एवर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ओके, विराट कोहली के बाद मैं जानता था खाली शुभमन गिल को जानता हूं, एंड ही इज द प्रिंस। अगर विराट कोहली किंग है वो प्रिंस है, और वो बाकी एक वजह उसके सिर पे ताज नहीं है, बाकी इसके अंदर बादशाही कामों में पूरा है। इंडिया का जो झक है ना वो उतर चुका हुआ है इस टाइम, ठीक है, उन्हें नो डाउट के पहले होता था कि आप इंडिया को जो है वो हरा लोगे, क्योंकि इंडिया बैटिंग टीम थी, बॉलिंग टीम नहीं थी। अच्छा कहते थे कि अगर कोई टीम चेस करने जाए तो अच्छा चेस कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो ओवरऑल वर्ल्ड कप खेला उसमें उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई, अगर हम खेलने आए हैं तो अब किसी को मौका नहीं देंगे यहाँ पे खेलने का। लोग कहते घर की शेर है, घर की शेर है, बाहर जाने ना जो कहते उससे भी देख लेंगे, बाहर भी बता दे कि हम घर की शेर नहीं, हम बाहर के भी शेर है। और अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जो खबरें आ रही रिटायर होने वाले वो भी जाए तो इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि यादव क्या अपनी कैप्टनशिप बाहर जाके प्रूव कर पाएंगे? देखिए सूर्या यंग है, कैप्टन के लिहाज से प्लेयर खेला है, लेकिन फिर भी लगता तो यही है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, और शायद जिस तरह के जैसा कि खबरें आ रही हैं कि 2024 की वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कोहली नहीं होंगे तो कैप्टन भी मोस्ट प्रोबेबली यही नजर आए, और ऑब्वियसली मुझे तो लगता है व्हाइट वॉशिंग मारने कैप्टन पे बात होती है लेकिन टीम पे भी होती है, जैसी टीम है मैं तो कह रहा हूँ। इंडिया का गुस्सा ठंडा होगा कैसे होगा? ठंडा कोई तरीका है इंडिया का गुस्सा ठंडे करने वाला? नहीं, गुस्सा वो अफ्रीका पे उतारेंगे अपना गुस्सा, क्योंकि उन्होंने जो अपनी यंगस्टर टीम उन्होंने खिलाई है उनमें रिंकू सिंह है, गायकवाड है, बिल्कुल रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह तो बहुत ही अच्छा ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है इंडिया का, मैंने उसकी मैंने लाइव मैचेस उसके देखे हुए, उसमें एक मैच जितवाया था कोलकाता की टीम की तरफ से, 5 बॉलों पर 29 चाहिए था, उस बंदे ने 5 छक्के मार दिए थे, तो मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया अपने वर्ल्ड कप का जो गुस्सा है ना वो अफ्रीका पे उतारेगी, क्योंकि अफ्रीका के 3-4 प्लेयर मेरे ख्याल से सीनियर्स हैं, बाकी सारे नए प्लेयर, बिल्कुल ऐसे ही उनके भी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना जो यंगस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, क्योंकि वो आईपीएल खेल खेल के पक्के हो गए हैं, क्योंकि उनकी लीग्स वगैरह जो होती हैं उनमें इनकी एक रणजी ट्रॉफी होती है उसमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में भारतीय टीम की जमकर तारीफ की जा रही है, दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में भारतीय यंग टीम ने आईपीएल की टैलेंट ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक मैच ऑस्ट्रेलिया मतलब भारतीय टीम के गलती की वजह से हारी थी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाया था ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम व्हाइट वॉश करके ऑस्ट्रेलिया को भेजेगी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के वजह से एक मैच में थोड़ी चूक होने के कारण मतलब 5-0 से होने से बच गया, और भारतीय टीम ने 4-1 से उस सीरीज को हरा कर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। उसके बाद भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी तरह से मतलब फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी पूरी तरीके से तैयार है उधर से फाइट करने के लिए, क्योंकि दोनों टीमों एक दूसरे को काफी ज्यादा टफ टाइम देंगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय यंग टैलेंट उभरती आ रही है वैसे उधर से साउथ अफ्रीका के बीच काफी अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं। और आपको बता दें कि भारत में लगभग
सभी यंग टीम है, मतलब आईपीएल की टैलेंट मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी रहेगी, जो कि अभी मतलब पिछले मैच में तो काफ़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है और इनके बदौलत हमने ऑस्ट्रेलिया को मतलब वाइट वॉश किया। और जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से मतलब इनकी तारीफ बनती है। वहीं आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन यंग टीम को एक बार फिर से अपना टैलेंट दिखाना है और साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करना है 3-0 से। और भारतीय टीम में काफी ज्यादा यंग खिलाड़ी हैं, लेकिन देखना होगा कि भारतीय यंग टैलेंट क्या साउथ अफ्रीका के मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम को हरा पाएगी या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम की प्रदर्शन चल रही है, ऐसा देख कर लग रहा है कि भारतीय टीम आसानी से साउथ अफ्रीका को हरा देगी, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, काफी टफ टाइम देगी साउथ अफ्रीका। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।